जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठवीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इसमें से 5 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। इस लिस्ट में खास बात यह है कि पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को उनकी गांधीनगर सीट से टिकट नहीं दिया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम रंधावा को मैदान में उतारा है। यह सीट परिसीमन के बाद अब बाहू के नाम से जानी जाती है। इस लिस्ट में 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वो हैं करनाह से इद्रीस करनाही चुनाव लड़ेंगे, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट मिला है, सोनाबारी से अब्दुल रशीद खान मैदान में होंगे, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन चुनाव लड़ेंगे और गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अन्य उम्मीदवारों में आरएस पठानिया को उधमपुर पूर्व से टिकट मिला है, कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण को टिकट दिया गया है और बिसरा से राजीव भगत को टिकट मिला है और बाहू सीट से पार्टी ने विक्रम रंधावा को मैदान में उतारा है और मण से सुरेंद्र भगत को पार्टी ने टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, 47 सीटें कश्मीर और 43 सीटें जम्मू रीजन में हैं। परिसीमन से पहले की बात करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें हुआ करती थी, जिसमें 37 सीटें जम्मू और 46 सीटें कश्मीर में थी और 4 सीटें लद्दाख में थी। राज्य के दर्जे में बदलाव के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके बाद हुए परिसीमन में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है, इसलिए 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। थैंक यू।